नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स के बृजेंद्र सिंह चौधरी के बारे में। कल शाम यानी 15 फरवरी को जयपुर पिंक पैंथर्स का मैच यू मुंबा के साथ था। इसमें बृजेंद्र सिंह चौधरी को स्टार्टिंग 11 में शामिल किया गया। उन्होंने राइट कॉर्नर खेलते हुए टोटल 5 टैकल अटेम्प्ट किए, जिसमें 3 अनसक्सेसफुल रहे और 2 में उनको सफलता मिली। इसके अलावा अगर बात करें रेड डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने टोटल 5 रेड डाली, उसमें एक एम्प्टी रेड थी और 4 पॉइंट अर्जित किए। ये 4 पॉइंट दोस्तों उस समय आए जब जयपुर पिंक पैंथर्स ऑल आउट के करीब थी और उन्होंने एक सुपर रेड लगाते हुए ये 4 पॉइंट अर्जित किए। इसके बाद जयपुर ने ऐसी वापसी की कि यू मुंबा को उन्होंने आगे आने का मौका ही नहीं दिया। ये बृजेंद्र सिंह चौधरी की रेड पूरे मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हुई और जयपुर पिंक पैंथर्स ने ये मैच 28-44 के बड़े अंतर से जीता और इसके साथ ही उन्होंने टॉप 6 के अंदर अपनी एंट्री करवाई। अगर बृजेंद्र सिंह चौधरी इस प्रकार खेलते रहे तो इस बार जयपुर पिंक पैंथर्स चैंपियन ज़रूर बनेंगे। इस बार बृजेंद्र सिंह चौधरी को स्टार्टिंग 11 में मौका मिला। पहले वे बीच बीच में सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलते थे, लेकिन आज इस मैच में खुलकर खेले और इसी का नतीजा है कि उन्हें टैकल में भी सफलता मिली और साथ में रेडिंग डिपार्टमेंट में भी। हम तो यही चाहेंगे कि उनको स्टार्टिंग 11 में शामिल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मैच खिलाया जाए ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस अप हो, ताकि आने वाले मैचों में जयपुर पिंक पैंथर्स को इसका फ़ायदा मिले। इसी का नतीजा है कि कल के मैच में उन्हें ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। थैंक यू दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।